तो दोस्तों, बाहुबली प्रभास अपनी एक के बाद एक कई फिल्मों से धमाका कर रहे हैं, जिसका ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी हाल ही में प्रभास की फिल्म सलार का टीजर रिलीज किया गया, जिसे देखने के बाद ऑडियंस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सलार फिल्म में प्रभास का पूरा लुक तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन जितना भी लुक दिखाया गया वो काफी दमदार है। हालांकि इस फिल्म में वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर उनके दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, तो सलार की एक और मच अवेटेड फिल्म आने वाली है प्रोजेक्ट, जिसका टाइटल नेम जल्द ही अनाउंस होने वाला है। प्रभास की इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, साउथ के जाने माने एक्टर कमाल हसन और अमिताभ बच्चन दिशा पटानी लीड रोल में नजर आएंगे। हालांकि फिल्म महाभारत पर बेस्ड होगी और ये फिल्म काफी दिलचस्प होने वाली है। वैसे तो आदि पुरुष फिल्म में राम के किरदार में प्रभास को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, वहीं अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि महाभारत पर बेस्ड प्रोजेक्ट के में प्रभास को कितना पसंद किया जाता है। वैसे तो फिल्म के टाइटल के अगर बारे में बात की जाए, तो फिल्म का टाइटल काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि ऑडियंस फिल्म के टाइटल नेम कल की बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है या नहीं तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। वैसे तो प्रभास का क्रेज ऑडियंस के बीच देखते ही बनता है। ऑडियंस प्रभास की हर एक फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रोजेक्ट के काफी दिलचस्प होने वाली है और इसमें बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर और टाइटल नेम की रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। हालांकि इस बारे में भी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन हाँ जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे तो इस वक्त साउथ के सुपरस्टार प्रभास अपनी मच अवेटेड फिल्म सलार को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ऑडियंस भी उनकी इस फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। हालांकि टीजर देखने के बाद ऑडियंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई और अब इसके ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है। सलार फिल्म को दो पार्ट में बनाया जाएगा और ये काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इसका कनेक्शन केजीएफ से बताया जा रहा है। वहीं अगर प्रोजेक्ट के फिल्म के बारे में बात की जाए, तो प्रभास इस फिल्म में विष्णु के कल्कि अवतार में नजर आने वाले हैं और अमिताभ बच्चन महाभारत के अश्वत्थामा के किरदार में नजर आएंगे। दिशा पठानी किस रोल में आएंगे अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि दीपिका पादुकोण का भी अभी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कमल हासन इस फिल्म में राक्षस का किरदार निभाने वाले हैं। ऑडियंस का मानना है कि प्रोजेक्ट के फिल्म में प्रभास अगर विष्णु के कल्कि अवतार में नजर आएंगे, तो शायद प्रोजेक्ट का टाइटल नेम कल्कि होगा। हालांकि अभी इस बारे में तो कोई अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन हाँ जल्द ही आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो प्रभास एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। वहीं पिछली फिल्मों के बारे में बात की जाए, तो प्रभास की पिछली फिल्में कुछ ऐसी थी जो फ्लॉप चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभास की आने वाली फिल्म भी फ्लॉप ही जाएगी। हालांकि प्रभास एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देंगे, इस बात से ऑडियंस काफ़ी उम्मीद लगाई है। ये पहली बार होगा जब साउथ के सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। वहीं ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ऑडियंस इनकी जोड़ी को कितना पसंद करती है। तो दोस्तों, प्रभास की मच अवेटेड फिल्म प्रोजेक्ट के टाइटल नेम के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का टाइटल नेम क्या होगा? और विष्णु के किरदार में प्रभास को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।